नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जनता के वास्तविक मुद्दों की कवरेज कम होती जा रही है मेनस्ट्रीम मीडिया में। न्यूज क्लिक एक ऐसा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल इश्यूज पर फोकस करता है। हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू बिकम मेंबर्स। ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन। तीन ऑप्शंस होंगे आपके पास, 29 रुपए, 89 रुपीज और 199 रुपए। लेकिन आप अगर हमारे मेंबर या सदस्य नहीं भी बने तो भी जो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो आपको उपलब्ध होंगे। हम तो आपके साथ थोड़े पार्टनरशिप को और गहरा और मजबूत करना चाहते हैं। आजकल हिंदुस्तान में सिर्फ तीन मुद्दों पर बात हो रही है, कोविड, चुनाव और आईपीएल। कुंभ मेला पर भी बात हो रही थी लेकिन यह मामला अब शांत पड़ गया है। थैंकफुली द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द चार धाम यात्रा। वर्ड ऑन द अमरनाथ यात्रा इज नॉट येट आउट। चुनाव और आईपीएल के बारे में ऐसे जब बात होती भी है तब भी कोविड का जिक्र होता है। क्या इस वक्त इसी तरीके से चुनाव करवाने की जरूरत थी? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब कोविड के केसेस बहुत ड्रामेटिकली राइज करने लगे, लास्ट के फेजेस को क्लब टुगेदर करके इकट्ठे पोलिंग नहीं करवानी चाहिए थी? क्या आईपीएल इस वक्त होना जरूरी था? क्या इंग्लैंड के साथ जब सीरीज खेला गया तो क्या ऑडियंस को स्टेडियम में अलाउ करना चाहिए था? दीज क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बिकॉज द इलेक्शंस एंड द कुंभ मेला हैव एक्टेड एज सुपर स्प्रेडर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। इट इज ऑफन सेड that those who do not learn from history are doomed to repeat the same mistakes again and again. Hindustan presently COVID-19 pandemic ke second phase ke chapet mein hai. Numbers ki baat hum aaj nahi karenge. Fresh daily COVID-19 ke cases ka data har ghante badal raha hai. तो क्या इस बिविल्डरिंग स्थिति से बचा जा सकता था? इतिहास के किस पन्ने में हम कुछ सीख सकते थे? डिड नो वन इन दिस गवर्नमेंट, एस्पेशली द टॉप लीडरशिप एंड देयर सीनियर एडवाइजर्स, नॉट एक्सपेक्ट अ सडन एंड अ सिवियर ड्रामेटिक सर्ज? डिड नॉट एनी ऑफ द पीपल लुक वंस अगेन एट how the Spanish flu pandemic 100 years ago assumed catastrophic proportions? पिछले वर्ष जैसे जैसे स्पष्ट होने लगा था that COVID-19 recent epidemics जैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सीरियस है, तो हम लोगों ने 1918 से 1920 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक हुआ था दुनिया भर में, उसकी बात की थी। इस कार्यक्रम में भी मैंने एक एपिसोड किया था जो आप लोगों ने देखा था। सरकार के लॉकडाउन इम्पोजिशन के तुरंत बाद हमने इस कार्यक्रम में स्पैनिश फ्लू पर एक एपिसोड भी किया था। सरकारी एक्सपर्ट्स ने भी इसकी बात की थी। दे इवन सेड दैट इट वुड बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग देन so that we do not make the same mistakes.
लेकिन हमारे सिस्टम को चलाने वाले स्पैनिश फ्लू पैंडेमिक के एक्सपीरियंस को भूल गए और नतीजा हम लोगों के सामने है। तो क्या थी स्पैनिश फ्लू पैंडेमिक की कहानी हिंदुस्तान में? What were the similarities and dissimilarities with the story which unfolded a century ago? COVID-19 की तरह स्पैनिश फ्लू इंडिया में भी दो वेव में आया था इनिशियली। पहला 1918 के स्प्रिंग या फिर बसंत काल में और उसके बाद उस साल के अंत की तरफ आया था। There was a milder third wave also, but we shall not talk about it today because we do not have anything at the present moment to correlate it to with what happened in that particular phase. Second phase, first phase के कुछ महीने बाद 1918 के winter months के पहले शुरू हुआ था। ये second wave जो था ये बॉम्बे से शुरू होकर उत्तर, दक्षिण और फिर पूर्व की दिशाओं में गया था। कई जगह बीमारी को सर्दी का बुखार कहा जाता था या फिर बॉम्बे इन्फ्लुएंजा। माना जाता है स्पैनिश फ्लू का कॉजेटिव H1N1 वायरस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से लौटते हुए सैनिक अपने साथ लेके आए थे। उस वक्त तक यूरोप में पैंडेमिक शुरू हो चुका था और ब्रिटिश सरकार को इंडियन सोल्जर्स को वापस नहीं भेजना चाहिए था और उस फैसले की वजह से हिंदुस्तान की पूरी आवाम एंडेंजर हो गई थी। सैनिक जब बॉम्बे से अपने घर गए तो बीमारी को साथ ले गए। सिविलियन पॉपुलेशन में इसी तरह से स्पैनिश फ्लू फैल गया। रेलवेज की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण था, जल्दी से इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाने का। पूरे दुनिया की तरह भारत में भी पहला वेव ज्यादा विरुलेंट नहीं था और जल्दी ही कंट्रोल हो गया। बट इन द ऑटम ऑफ 1918 अ सेकेंड एंड अ मोर लीथल एंड सीवियर वेव ऑफ द डिजीज स्वेप्ट अक्रॉस द ग्लोब। It left no inhabited region untouched, and in terms of mortality, the focal point of the second phase was India. हम सब जानते हैं स्पैनिश फ्लू के ऊपर शोध बहुत कम हुआ है दुनिया भर में। Eventually, 1951 में एक विख्यात अमेरिकन डेमोग्राफर जिनका नाम किंग्सले डेविस था, उन्होंने हिंदुस्तान में मृतकों का एक रफ कैलकुलेशन किया था। उन्होंने दावा किया था 1918 के पैंडेमिक में करीब 2 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए थे। जैसे जैसे स्पैनिश फ्लू का सेंटेनरी करीब आने लगा था, जो कि 2018 में ऑब्जर्व किया गया था, उस समय अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च शुरू किया दुनिया के विभिन्न जगहों में। 1918 से 1920 के बीच स्पैनिश फ्लू पैंडेमिक से दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ज्यादातर इनमें से सेकेंड वेव में थे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैलकुलेशंस, द रेंज ऑफ डेथ वर इवन इन द रेंज ऑफ बैंड ऑफ 50 to 100 million across the world. 2012 यानी कि 2012 में अर्थशास्त्री सिद्धार्थ चंद्रा ने रिसर्च किया और कहा कि भारत में मरने वालों की संख्या का अनुमान उसको पुनः लगाया और कहा कि पुराने आंकड़े इनकरेक्ट थे। उन्होंने देश में फैले हुए स्पैनिश फ्लू की समझ को भी आगे बहुत बढ़ाया। लेकिन करंट सेकंड फेज का फंदा को और टाइट होते हुए देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने जो जानकारी, जो समझ बढ़ाई, उसका इस सरकार पर कोई फायदा नहीं हुआ।
Siddharth Chandra and his colleagues reported in 2012 that approximately 14 million Indians died in the pandemic. Their estimate, however, only applied to those parts of India which in 1918, mind you, included Pakistan and Bangladesh. Only those areas they were talking about that were part of the British India, which meant that it excluded all princely states. Chandra went on to clarify that 18 million or 1.8 crore was a reasonable estimate for the death toll in what is today's India as a whole. Hindustan ke us waqt ki abadi ka ye 6% tha. Shayad sarkar is data ko use karegi. Ye kehne ke liye that it has actually prevented the deaths of a large number of people. That the death rate this time is much lower than 100 years ago. But that is what spin doctors are supposed to do. Dukh to ye hai ki prachar prabandhak un logon ne yahan pe policy makers ki jagah le li. The second phase of the Spanish flu made its presence felt in Bombay in September 1918, almost certainly with the return of a warship. Bombay mein high period September ke dusre saptah se shuru hua tha aur peak September 29 se October 5 ke beech ke saptah mein hua tha. Bombay mein death rate lagbhag 55 per 1000 tha. Madras mein peak October 13 se 19 ke beech hua tha aur wahan pe death rate was 17 per 1000. Calcutta mein peak kuch din aur baad November ke 16 to 23 wale week mein wahan jaake pahuncha tha aur death rate wahan usse bhi kam 9 per 1000. Bihar mein bhi bahut cases hue the parantu इनमें से ज्यादातर साउथ ऑफ गंगा इस रीजन में हुए थे. कारण बहुत सिंपल था, गंगा के नॉर्थ में रेलवे लाइन उस समय नहीं थी तो द डिजीज वुड नॉट ट्रैवल देयर. उस वक्त के बहुत कम रीजन्स में हमको स्पैनिश फ्लू स्प्रेड होने का माइक्रो डेटा मिलता है. गुड़गांव उस समय यूनाइटेड पंजाब का हिस्सा था. वहां सितंबर अक्टूबर 1918 के बीच में 63,000 केसेस या फिर उनके मौतें हुई थी. अ पिक्यूलैरिटी ऑफ द स्पैनिश फ्लू पैंडेमिक हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय रिपीटेड स्टडीज एंड दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड दैट दीज स्टडीज सजेस्टेड दैट द पैंडेमिक हिट द पुअर इन द फर्स्ट फेज एंड द रिच इन द सेकेंड. मुंबई में कोविड 19 की महामारी के दौरान भी ऐसा प्रतीत होता है. अ सिमिलर ट्रेंड अपीयर्स टू बी बीइंग फॉलोड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मुंबई की बात कर रहा हूं. अगर फर्स्ट फेज में कोविड 19 ने जो स्लम एरियाज थे उनको पहले ज्यादा टारगेट किया था तो इस बार हमको देखने को मिल रहा है कि द हाई राइजेस आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड वेरी बैडली. लेकिन ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये सारे जो डेटा अभी अवेलेबल नहीं है और ये बात मैं जो बोल रहा हूं इज बेस्ड ऑन व्हाट वी कॉल एनेक्डोटल एविडेंस. अभी कहना मुश्किल है कि आगे डिटेल्ड माइक्रो लेवल की साइंटिफिक स्टडी हो पाएगी या नहीं और इन द फ्यूचर ऑल्सो देयर विल बी अ सिमिलर वेकेंट और कंप्लीट ब्लैंक as just the way it is there for the Spanish flu pandemic. Spanish flu pandemic ke 100 saal baad bhi ye spasht hai mahamari ke niyantran ke traditional tarike lagbhag unchanged rahe hain. Inko janne ke bawajood sarkar ne apna guard ko lower kar diya. Natija sabke samne hai. COVID-19 ke second phase ke dauran समाज का
एफ्लुएंट सेक्शन पिछले साल से ज्यादा इफेक्टेड है। सेलिब्रिटी से लेके लेखक, कलाकार और पत्रकार सब इसके चपेट में। 1918 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महात्मा गांधी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुंशी प्रेमचंद उन प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज में थे जिनको स्पैनिश फ्लू ने अटैक किया था। निराला जी की पत्नी का देहांत हो गया था। उन्होंने लिखा था, गंगा नदी लाशों से भरी हुई थी और उन्हें जलाने के लिए लकड़ी तक भी उपलब्ध नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद भी बीमार हुए। वायरस ने उनको भी इन्फेक्ट किया, मगर वह ठीक हो गए थे। 10th नवंबर 1918 को महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी ने लिखा था कि आश्रम में इन्फ्लुएंजा छाया हुआ है। एक पत्र में गांधी जी ने खुद लिखा, I am still in bed and will have to remain there for many days. दुख की बात है, इतिहास साथ होने के बावजूद सरकार ने prematurely विक्ट्री डिक्लेयर कर दी और अब नतीजा सबके सामने है। नमस्कार।